हेलो एवरीवन। तो हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, देखो। सो डेट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू टू एन इज वन बाई आर की पावर एन। क्या मीनिंग आएगा इसका कि आपके पास ए वन ए टू ए थ्री सपोज करें हमारे पास जीपी का टर्म है टू ए एन, फिर ए एन के बाद ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू से लेकर के ए टू एन। अब इसने बोला है यहाँ से यहाँ तक का सम जिसको हमने एस एन लिख लिया मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा जिसको हम लोग एस एन डैश लिख रहे हैं। तो इसने प्रूफ करवाया कि एस एन अपॉन में एस एन डैश इज वन बाई आर की पावर एन। ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं, लेट आर इज ग्रेटर देन वन, बाकी आप लेस देन वन भी लेट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे पास एस एन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है जी, मगर जब आप एस एन डैश निकालोगे तो एस एन डैश के लिए इस वाली जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या यूज होगा, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन। और हमारे पास इस पूरी जीपी हमारी जीपी तो एक ही है, तो इसका कॉमन रेशो आर ही रहेगा, तो आएगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो एस एन अपॉन में एस एन डैश इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन और होल अपॉन में ए एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। इससे कैंसिल आउट, ए अपॉन में ए एन प्लस वन का फॉर्मूला होगा ए आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो ए से कैंसिल आउट, यहाँ पे वन से वन कैंसिल आउट, जो इक्वल टू किसके आ जाएगा, वन अपॉन में आर की पावर एन। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी।